में समाजसेवी विनोद परवार द्वारा मां किशोरी एकल भवन का भूमि पूजन करते हुए शिलान्यास किया गया है, जिसमें इनके संस्थान द्वारा जिले में चलाए जा रहे विभिन्न सामाजिक कार्यों के लिए एक स्थायी भवन बनाया जाएगा। उक्त भवन सभी आधुनिक सुविधाओं से आच्छादित होगा। ये शिलान्यास जो है आगे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा और इससे हमारी जो है सद्भावना की वृद्धि होगी और लोग सुखी और संपन्न होंगे और प्रभु की कृपा से जो भी कार्य आगे होगा वो सफल होगा और उसमें जो है सभी का योगदान सदैव बना रहेगा। ओम अपुत्रः पुत्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोपवा यः स्मरेत् पुनरीकाक्षं शवा हि अभ्यन्तरः शुचिः पुनरीकाक्षप्पुनातु माम् आसन् शुद्धीकरणं पृथ्वीतया धृता लोका देवी त्वमश्नाता त्वञ्जधारय माम् देवी पवित्रं कुरु चाशु नमः स्वस्ति मङ्गल। समरसता समाज में रहे जो कमजोर वर्ग है उनके लिए सरकार तो बहुत प्रयास कर ही रही है, जो उसके अलावा भी जो हम लोग सहयोग करें वो उन लोगों का सहयोग कर सकें और इसको देखते हुए सभी लोग अपने पड़ोसी का, अपने समाज का, अपने आसपास जो भी कमज़ोर वर्ग हो उनको शिक्षित करें, हर तरह से शिक्षा से चिकित्सा से समाज में उठा सबको लेके चलें। जो हमारा हनुमान परिवार बना रहे एकल वाले, जो सबरी का मंदिर बना रहे हैं, वही हमारी दृष्टि से देख के जो कमज़ोर वर्ग उनको भी लेके चलें। भगवान राम ने भी सभी को लेके चले हैं, हम लोग हनुमान बन के देश की सेवा करें, समाज की सेवा करें, यही हमारा एकल का और हम लोगों का सिद्धांत है और यही इसी में चलें, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। एकल अभियान के तहत आप लोगों का क्या मकसद है और इस भवन से कितने लोगों का फायदा होगा? भारत के जन जन का मानना है कि भारत माता ग्रामवासिनी है, इसलिए ही एकल अभियान ने एक नारा दिया है। पिछले कई वर्षों से उसका पालन करते चले आ रहे हैं और वो नारा है चलो गांव की ओर। जन जन को गांव की ओर ध्यानाकर्षण कराने का उद्देश्य है, क्योंकि जब तक गांव पिछड़े रहेंगे, गांव की ओर सामर्थ्यवान लोगों का और सरकारों का ध्यान नहीं केंद्रित होगा, तब तक भारत का विकास संभव नहीं होगा। इसी क्रम में एकल अभियान ने भी अपनी सब इकाइयों को क्रमशः गांव की ओर केंद्रित करने का प्रयास किया है। हमारा यह केंद्र जो महोबा में प्रारंभ हो रहा है, अभी तक कानपुर में था। कानपुर एक उद्योग नगरी थी, महानगर था। महानगर से हटकर हम ग्रामीण क्षेत्र को, विशेष रूप से बुंदेलखंड को अपने कार्य को केंद्रित कर सकें, इस निमित्त यहाँ पर कार्यकर्ताओं के निवास और सब गतिविधियों के संचालन के लिए इस भवन का आज शिलान्यास किया गया है।